तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके सब जोर से बोलिए, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को, हम लोग ये श्रवण कर रहे थे भागवत कथा की इतनी महिमा इतने महत्व है। अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं मिल रही, गया में एक बार पिंड देने पर कहते पूर्वजों का पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन जब श्री गोकर्ण धुंधुकारि के लिए गया में भी पिंड दे दिया लेकिन घर में वापस आकर के देखा तब भी वो प्रेत बनकर घर में बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया गया में तेरी उधार नहीं हुई, बोले भैया मैंने इतना पाप किया हूं मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो तभी मेरी मुक्ति नहीं मिली, इतना बड़ा मैं पापी हूं। लेकिन इतने बड़े पापी का उद्धार कैसे हुआ है, बोले ये भागवत कथा से तात्पर्य है हम जितने पाप क्यों नहीं किया हो एक बार आओ और ये भागवत कथा में केवल बैठ जाओ, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं। ये भागवत कथा सुनते 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 हमारी सारे जीवन की पाप खत्म हो जाएगी और हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्ति हो जाए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा की महात्मा को बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्व द्रोह अपि। बोले हे परीक्षित, बोले श्रुत अगर भागवत कथा को सुनोगे कल्याण तो है ही, अगर सुन नहीं सकते हो बोले अनुपठित, अगर कोई घर में पाठ करे बोले जिसकी घर में ये भागवत कथा पाठ हो कहते वो घर नहीं वो साक्षात ठाकुर का धाम है। अगर कोई एक श्लोक पढ़ लिया बोले एक श्लोक नहीं आधा श्लोक, बोले आधा श्लोक नहीं एक चौथाई श्लोक किसी घर में अगर पढ़ाई हुई कहते उसकी घर में श्री बांके बिहारी राधा रानी को साथ में वही निवास करती है, कहते वो घर भगवान की वैकुंठ धाम बन जाती है। अगर इतना नहीं हो सके अगर कहीं कथा हो रही है अगर किसी ने इतना बोल दिया बोले भागवत कथा बहुत अच्छी बात है कथा तो होनी चाहिए, इतना अगर कोई बोल दिया कहते वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, कहते विश्व द्रोह और कभी देवताओं को भी अगर कोई द्रोह किया तो बोले सत्य अपनाति सद्धर्मम उसी समय में ही
उस सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को गमन करता है। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भागवत कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठ करके कथा सुनते हैं। जो कुछ 7 दिन में आप मांगोगे, भागवत रूपी कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छाओं को, ये 7 दिन में सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। इसलिए हम लोग गतकल्य भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे थे। कहते इसकी 2 पुराण में ये कथा की महिमा आती है, एक तो पद्म पुराण और एक स्कंध पुराण। आज हम लोग थोड़ी सी स्कंध पुराण की कथा सुनेंगे। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले जाते हैं, मैया कुंती को जो पता चला कृष्ण चले गए, बोले जब कृष्ण ही गए फिर रह करके क्या लाभ है। कुंती भी उसी समय में प्राण को त्याग दे दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर हम क्यों ये दुनिया में रहे, हम भी ये दुनिया को त्याग दे देंगे। ये पांडव भी संसार को त्याग दे दिया। लेकिन वो जाने से पहले हस्तिनापुर का नाम उन्होंने हस्तिनापुर का राजा परीक्षित बना दिया और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाम को बनाया। ये कृष्ण के बेटा का बेटा श्री ये बज्रनाम। एक दिन श्री परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाम से मिलने के लिए आए। बोले बज्रनाम सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मन में आनंद नहीं। बोले क्यों? बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण जब ये दुनिया छोड़कर के गए, जैसे भगवान राम जब ये दुनिया छोड़े पूरा अयोध्या वासियों को ठाकुर लेकर के चले गए, जब कृष्ण भी ये दुनिया को छोड़े पूरा ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी चले गए। बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं, खाली खाली वृंदावन। तो राजा कब होते हैं? जब प्रजाएं हो, लेकिन कोई प्रजाएं नहीं, फिर राजा क्या है? इसलिए मन तो बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है, क्योंकि प्रभु की जो लीला ये नित्य लीला है, ठाकुर जी की ये नित्य लीला है। लेकिन ये रहस्य को कौन जानते हैं? बोले श्री सांडिल्य ऋषि इनके जो पुरोहित थे। तो उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले हे सांडिल्य ऋषि जी, आप थोड़ी सी कृपा करके ये वृंदावन की महिमा को सुनाओ। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा, देखो बज्रनाथ, प्रभु की लीला 2 तरह का है। कहते एक तो लीला उनकी साधारण लीला और एक लीला उनकी वास्तविक लीला है, जो सही लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, लेकिन सही सही देखो कृष्ण कहीं नहीं गए। आप लोग वृंदावन गए हैं? कौन कौन वृंदावन गए हो, हाथ उठाओ। तो गए हो, वहां पर 2 वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन। कौन कौन गए निधु वन निकुंज वन में? गए हो। अगर वहां शाम को जाओ देखना, वहां पर वो जंगल में बहुत बंदर रहते हैं, देखना ठीक शाम होते ही वो बंदर को कोई नहीं भगाते हैं, वो बंदर अपने आप जंगल छोड़ना शुरू कर देते हैं। और रात को वहां पर ठाकुर जी के मंदिर में फूल की सज्जा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेंगे, दांतुन रख लेंगे, लड्डू रख लेंगे। लेकिन आप सवेरे आकर के देखना, ऐसे लगेगा मानो कोई पुष्पों की सज्जा के ऊपर में रात को कोई लेट कर गए। कभी लड्डू नहीं मिलेगी, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचेगा जोर जबरदस्ती हम ये जंगल में रह करके प्रभु की लीला देखना चाहते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति गुंगा बन जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ जाएगा। उसी जंगल के पास में अपना बड़े गुरु जी का मंदिर है, मैं अपना आंखों से 2 घटना देखी। एक को देखा तो गुंगा बन गया और एक को देखा व्यक्ति शरीर छोड़ दिया। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी प्रभु पूर्ण रूप में वृंदावन में। जिनको विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान भगवान किसने देखा है, एक बार जाओ वृंदावन और ये जंगल में एक बार रुक जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा ठाकुर है क्या।
नहीं, अपने आप को आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रभु की लीला देखने का बाद फिर वो बोलने का लायक नहीं रह जाता है, इसलिए वो व्यक्ति गुंगा बन जाता है, नहीं तो शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा, देखो बज्रनाथ, अभी कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी पूर्ण रूप में है। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हैं, वहां पर एक राधा श्याम सुंदर मंदिर में, उनके नाम पर राधा श्याम सुंदर मंदिर है। जब ये गुरु जी को पास में आए, गुरु जी ने कहा, देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मेवा नहीं मिलती, जाओ। अभी भी राधा रानी सखियों के साथ में अभी भी लीला करती हैं, ये निकुंज वन और निधु वन में तुम जा करके वहां पर रोज झाड़ू लगाया करो। वो संत जा करके वो निधु वन में रोज झाड़ू लगाया करते थे, रोज झाड़ू लगाते थे, और राधा रानी का नाम को ले ले करके रो रो करके प्रार्थना करती है, राधे कब मेरे ऊपर में तुम्हारी कृपा होगी, कब मुझे दर्शन आप दोगे। एक दिन राधा रानी जान बूझ करके चरण की जो पायल थी नुपुर को छोड़ करके, वो संत जब गए झाड़ू लगाने के लिए, देखा जंगल में एक चमचमाते हुए एक सोने की नुपुर पड़ा हुआ। उसी समय तो घना घोर जंगल और कुछ था ही नहीं, जंगल ही जंगल था। उनने सोने के नुपुर ला करके गुरु जी को दिखाया, बोले गुरु जी देखो ये सोने के नुपुर हमें मिला है। लेकिन गुरु जी भी साधारण थे ही नहीं, वो राधा रानी के कोई सखी थे, वो तब देख करके पहचान गए, बोले देख बेटा ये राधा जी की चरण की ये नुपुर है, देखो राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बना करके गई, अगर कोई व्यक्ति आए लेने के लिए देना नहीं, बोलना जिनकी चरण के पायल वो स्वयं आए अपना हाथों से मैं पहना हुआ। अभी राधा रानी दो सखियों को भेजे, ललिता विशाखा को, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं इनके चरण के नुपुर घूम गया, क्या तेरे को मिला है? बोले मिला है, बोले दे दो। बोले जिनकी चरण के नुपुर वो स्वयं आए और अपना हाथों से मैं पहनाना चाहता हूं। राधा रानी उसको सिखा पढ़ा करके भेजे, परीक्षा करना अच्छे तरह से। बोले देखो बाबा वो हमारी घर की बहू है, वो जहां तक नहीं जाती हैं, इसलिए उनकी चरण के नुपुर दे दो। बोले नहीं मैं तो अपना हाथों से ही पहनाऊंगा। बोले तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू है, तू संत हो करके स्त्रियों को चरण में नुपुर पहनाना चाहते हो, तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया को बुला करके लाएंगे, फिर तेरे धुलाई होगी। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, गुरु जी ने कहा उनका चरण में ही पहनाना। तब राधा रानी वहां पर स्वयं आती है, वो संत अपना हाथों से राधा जी की चरण में नुपुर पहनाया और उनकी चरण को पकड़ कर रोने लग गए, बोले हे राधे मुझे दर्शन भी दिया करो। तब से राधा रानी उनको दर्शन दिया है और वो अपना नुपुर से उनको तिलक लगाया। कभी अगर वृंदावन जाएंगे, एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम राधा श्याम सुंदर मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, और उसी मंदिर में वो ठाकुर जी को राधा रानी अपना हृदय से निकाल करके उनने कृष्ण को भी प्रदान की, इसलिए अभी भी वो ठाकुर का नाम राधा श्याम सुंदर है। इसलिए अभी भी अगर कोई सही सही भजन करे तो अभी भी श्री राधा रानी उन्हें दर्शन देती हैं। बोले अभी कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में श्री वृंदावन में रहते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। बोले हे बज्रनाथ कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी वृंदावन, लेकिन उनको दर्शन कैसे मिलेगा? बोले दर्शन तुम्हें मिलेगा अगर तुम वृंदावन धाम का सेवा करोगे तो। बोले बताओ कैसे सेवा करूं? बोले धीरे धीरे कृष्ण का जो लीला स्थली वो अंतर ध्यान होते जा रहा है। कृष्ण चले गए, अभी किसको पता है नहीं कृष्ण पूतना कहां मारे, किसको पता नहीं कृष्ण रास कहां किए,
किसको पता नहीं कृष्ण गैया कहाँ चराए, किसको पता ही नहीं। अभी धीरे धीरे तुम लीला स्थलियों को प्रकाश करो और तुम ठाकुर जी को प्रकट करो, फिर ठाकुर जी की कृपा तुम्हारी प्रति होगी। फिर उन्होंने बहुत सारे जैसे बांके बिहारी, राधा वल्लभ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, जितने सारे अब ठाकुर देखोगे वो सारे ठाकुर श्री बज्रनाभ ने, ये सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित की। और विशेष करके एक ठाकुर है, उनका नाम साखी गोपाल। अब लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हैं देखना, ठीक उसको एक स्टेशन पहले एक स्टेशन है, उसका नाम साखी गोपाल है। नाम सुने कि नहीं, नहीं सुने ना। देखो वो ठाकुर जी को उन्होंने स्थापन किया, बोले कैसे प्रकाशित किया है। वो ठाकुर जी पहले वृंदावन में थे, एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में निकले, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक जवान। वो जो जवान ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की, पूरा धाम में उनको घुमाया और घुमा घुमा करके उनको वृंदावन में आए। पहले ये ठाकुर जी वृंदावन में जहां पर रंगत जी मंदिर है उनको सामने ठाकुर जी रहते थे। उन्होंने दोनों ब्राह्मण भ्रमण करते करते उसी मंदिर में आते हैं। जो उसमें वृद्ध ब्राह्मण था वो इतना खुश हो गया, जो एक जवान ब्राह्मण था बोले देख बेटा अगर तू नहीं होता मैं धाम कभी नहीं कर सकता था, मैं तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं वापस जाऊंगा मेरी एक बड़ी प्यारी एक बेटी है, वो बेटी को मैं तेरे को साथ में शादी दूंगा। तो वो जवान ब्राह्मण ने कहा देखो आप मेरे पिताजी की बराबर है, मैंने आपकी बेटी को शादी करने के लिए आपको मदद नहीं किया, आप वृद्ध ब्राह्मण हो, हमारा कर्तव्य है बुजुर्गों को सेवा करना, इसलिए मैंने सेवा की। फिर आप कह रहे हो आपका बेटी को शादी दोगे लेकिन परिवार वाले राजी नहीं होंगे, बोले क्यों, बोले यद्यपि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं लेकिन मैं छोटे जाति का ब्राह्मण, आप बड़ी जाति का ब्राह्मण है। पहले तो लव मैरिज था नहीं है, परिवार जैसे शादी कराते थे ऐसे ही शादी होती थी, बोले परिवार वाला राजी नहीं होंगे। उसने कहा बेटी मेरी है मैं शादी दूंगा, परिवार क्या बोलेंगे, बोले अगर वहां जाकर के मुकर गए तो, बोले देखो ये ठाकुर साहब है, ठाकुर साखी गोपाल जी थे, बोले मैं गोपाल जी को साखी करके मैं बोलता हूं अपना बेटी को मैं आपको साथ में शादी दूंगा। वापस आए, आए तो वृद्ध ब्राह्मण अपना परिवार को बुलाए और उन्हें सारे बात को बताई, ऐसे ऐसे मैं अपना बेटी को वो ब्राह्मण को साथ में शादी देना चाहता हूं। बोले पिताजी आप ऐसे कैसे बोल दिए आपको पता नहीं, हम उच्च जाति के ब्राह्मण हैं वो छोटे जाति के ब्राह्मण हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हमारी बहन को शादी दिया ना पूरा परिवार जहर खा करके हम प्राण त्याग देंगे। बोले मैंने जो ठाकुर को साखी दे कर गाया, बोले ठाकुर बोलता है वो तो पत्थर है, ठाकुर जी तो पत्थर है वो क्या बोलेंगे, बोले नहीं मेरे पूरा विश्वास है ठाकुर को मैंने साखी दिया है नहीं तो पाप लगेगा। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, जब वो दोबारा आएगा ब्राह्मण अब इतनी सी बात बोल देना मैंने किया कहा था नहीं कहा था मेरी याद में, फिर क्या होगा नहीं होगा हम कर लेंगे। अभी छोटा ब्राह्मण एक दिन आया, बोले आप बोल रहे थे आपका बेटी को मेरे साथ में शादी देने के लिए, इतने में उनको पिताजी इतनी सी बात बता दिए मैंने क्या कहा नहीं कहा मेरी याद में। जो बच्चे लोग थे ना भड़क गए, डंडे लेकर के आगे, बोले दुष्ट हमारे पिताजी के पास में बहुत सारा पैसा था, तुमने धतूरा खिला करके सारे पैसा हड़प लिया, फिर हमारी बहन से शादी करना चाहता हूं। उन्होंने तो दंड लेकर के मारने के लिए दौड़े, उसने भाग गया और ग्राम पंचायत बुलाया। ग्राम पंचायत ने पूछे भैया तुम्हारी कोई साखी है, बोले हाँ वहां पर तो गोपाल जी के मंदिर में हमने गोपाल जी को साखी करके बताया था, बच्चों को तो मौका मिलेगा बोले जा जा वृंदावन से, वृंदावन से गोपाल जी को बुला करके ले आना फिर शादी करोगे। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था
ठाकुर जी जरूर आएंगे, ठाकुर जी जरूर वहां से आएंगे। कहां से? वृंदावन से। लेकिन ये बात कहां हो रही है? बोले श्री जगन्नाथपुरी में। उनको विश्वास है ठाकुर जी जरूर आएंगे, और वो जगन्नाथपुर से चलते चलते वृंदावन आए ठाकुर जी के मंदिर में। बोले ठाकुर जी आपको सामने ब्राह्मण ने साखी दिया था बेटी को शादी दिलाने के लिए, लेकिन उधर जाकर कभी मुकर गए, आपको साखी देने के लिए जाना पड़ेगा। देखो ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी बोल पड़े। बोले तुमने कभी सुना हो ठाकुर जी चलते 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 हैं? बोले अगर चलते नहीं तो फिर आप बोलते हो कैसे? जब बोलते हो आपको चलना ही पड़ेगा। ठाकुर तो फंस गए। बोले ठीक है बेटा मैं चलूंगा, एक काम करो 1 किलो चावल का खिचड़ी बना कर खिलाओ, क्योंकि इतना दूर तो चल करके जाना पड़ेगा। उनने ठाकुर जी को 1 किलो चावल का पूरी की पूरी खिचड़ी बनाए और ठाकुर जी पूरा पूरा खा लिया। बोले देखो बेटा मैं तेरे पीछे पीछे तो चलूंगा, लेकिन तुमने मोड़ करके देखना नहीं, अगर मोड़ करके देखोगे तो मैं वहीं पर ही खड़े हो जाऊंगा। बोले ठाकुर जी मेरे को पता कैसे चलेगा अब आ रहे कि नहीं आ रहे? बोले मेरे प्यार में नुपुर बांध दो, ये नुपुर का छम 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 आवाज होगा, इससे पता चलेगा ठाकुर जी आ रहे हैं। और वो व्यक्ति आगे ठाकुर जी पीछे। आप लोगों ने कटक नाम सुने होंगे, उड़ीसा में एक स्थान कटक है, वहां पर महानदी आती है। जब नदी आई अभी ठाकुर जी का प्यार तो रेती में धसते गया, जब धसते गया ठाकुर जी की चरण में जो नुपुर बंधा हुआ था वो नुपुर का छमछम जो आवाज अभी बंद हो गया। उसने देखा यहां तक तो ठाकुर जी की चरण की नुपुर की आवाज आ रही थी, लेकिन यहां पर ये नुपुर कैसे बंद हो गई? हो ना हो ठाकुर तो साथ में नहीं आए तो फिर दुनिया को मुख क्या दिखाऊंगा। बोले करी करी पास में आई गया, अगर यहाँ पर ठाकुर अगर खड़े हो जाएंगे तो ठाकुर बोले थे अगर पीछे घूम करके देखोगे फिर मैं जाने वाला नहीं, वहीं पर खड़े हो जाऊंगा। बोले लोगों को बुला दूंगा। इतने में उन्होंने घूम करके देखे, मोड़ करके देखे, ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते वहीं पर कृष्ण खड़े हो गए। बोले और मैं नहीं चलूंगा, मैंने कहा था ना पीछे मोड़ करके देखोगे नहीं, जाओ बुला करके ले आओ। उसने जा करके गांव में हल्ला मचा दिया, वृंदावन से गोपाल जी चलते 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 यहां तक आए। वहां राजा रानी मंत्री सन्न सामत सब के सब दौड़े, ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते आए और ठाकुर जी सभी को सामने उन्होंने गवाही दिया। बोले हाँ इसने मेरे को साखी करके बोला था अपना बेटी को शादी देने के लिए, लेकिन ये परिवारों का दबाव में आकर उसने अपना बात से मुकर गया, लेकिन मेरे सामने उन्होंने साखी दिया था, सारा दुनिया को सामने ठाकुर जी ये साखी दिया, इसलिए अभी भी वो स्टेशन का नाम है साखी गोपाल है। अब लोग कभी ये ठाकुर जी को देखे हो? कोई देखे हो ये ठाकुर जी को? कौन कौन देखे हो? नियम है जब पुरी जाओ ना ये ठाकुर जी को जरूर दर्शन करनी चाहिए। क्यों? आप लोग जो पुरी जाते हो यही साखी देते हैं आप श्री जगन्नाथपुरी में आए थे। इस बार अगर पुरी कभी जाओगे ठीक पुरी से 1 स्टेशन पहले वो मंदिर का नाम है श्री साखी गोपाल है। इसलिए आप लोग एक भजन सुने होंगे, कितना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं। बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान भक्तों के लिए सब काम करते हैं, ऐसे कोई काम नहीं। ठाकुर जी प्रेम में वशीभूत होकर के जो काम ठाकुर जी नहीं किए, ठाकुर जी सारे काम को भक्त के लिए ठाकुर जी करते हैं।
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे कोई जयकार नहीं कर रहे, कल तो व्रत हो गया, आज तो व्रत नहीं है ना, फिर जोर से बोलो। ठाकुर को जितने जोर से जयकार दोगे उतना जोर से अपना जयकार होगा। कल कथा सुन रहे थे ना, शंकर जी कथा सुनते सुनाते मैया पार्वती सो गए। देखो ये जो समय है ना, सोने का समय है, क्योंकि भोजन के बाद में सब सोते हैं, लेकिन आपको कथा सुनने आना पड़ा, इसलिए अभी ये सोने का समय है। इसलिए हम बीच बीच में जयकार देते हैं, इसलिए देते हैं कोई सोए नहीं। एक बार जोर से जयकार दो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन श्री कृष्ण की 16108 पटरानियां, जब कृष्ण ये संसार से अंतर ध्यान हो गए, एक सबके सब कृष्ण विरह में बड़े दुखी है। लेकिन देखा जो कालिंदी जो यमुना है, इसके अंदर में कोई दुख नहीं, वो कलकल नाद करते हुए भगवान की जयकार करते हुए यमुना बह रही है आनंद में। महेश्वर ने पूछा, बोले हे कालिंदी, हम कृष्ण विरह में सब दुखी, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं। कालिंदी ने कहा, देखो ये राधा रानी की कृपा से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी वृंदावन। कैसे पता कैसे पड़ेगा कृष्ण वृंदावन में? बोले ये उद्धव जी को ये रहस्य पता है, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को उनने सांत्वना दी थी। बोले उद्धव अभी कहां मिलेंगे? बोले गिरिराज तलहटी में। आप लोगों ने गिरिराज परिक्रमा लगाए हैं? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए और गिरिराज कौन कौन दर्शन के लिए गए हो? कौन कौन हाथ उठाओ, कौन कौन गए? गए है ना। आप देखना ठीक राधा कुंड श्याम कुंड से पहले उद्धव कुंड गए। बोले अभी भी कृष्ण, अभी भी उद्धव जी वहीं पर वो घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। ये उद्धव जी ये सारे रहस्य ये उद्धव जी बताएंगे। बोले चलो हम सबके सब गिरिराज की तलहटी में चलते हैं, सारे ब्रजवासी महिषियां वज्रनाभ ये सब के सब श्री गिरिराज की तलहटी में आते हैं और बड़े सुंदर ठाकुर जी की भजन गाते हैं। एक भजन गाए प्रभु बालक, एक भजन सुन लो कैसे ब्रजवासी कैसे ठाकुर का कीर्तन करते हैं और कीर्तन को माध्यम से स्वयं ठाकुर जी का कैसे दर्शन होता है कृष्ण कैसे, क्योंकि भगवान को कीर्तन सबसे ठाकुर जी को प्रिय है। कहीं भी ठाकुर का कीर्तन होना, पर ठाकुर जी रह नहीं सकते हैं, वहां पर ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मथुर ब्रज बनता सब मुस्कुर है मधुकर गो कन्हैया से कौन कौन प्यार करते हैं? करते हैं? देखो आधे हाथ उठाने प्यार करते हैं तभी तो ये है, उनकी कथा आपको अच्छी लगती है, बिना प्यार से नहीं आते आप।
क्या यहाँ पे खुर्जा में इतने ही लोग हैं? बहुत से हैं, लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका प्यार नहीं है, ना कथा से है ना भगवान से। अब लोग प्यार करते हैं कभी कभी हुआ है, तो आइए मोहन से कौन कौन प्यार करते हैं ज्यादा देखेंगे। आइए सभी लोग नृत्य करते रहे, ताली बजाते रहे, गाएंगे इस भजन को। अरे मोहन से दिल क्या लगाया, मोहन से दिल चलिया से चलिया
बहुत लोग आ रहे हैं, आज ग्रह है क्या? ग्रह नहीं है, कल कर दिया तो आज तक ग्रह नहीं है, जो बोल बोलो क्या बोलता है? राधे राधे, एक एक बोलिए राधे राधे। इधर सभी को दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सभी को बोल बोल क्या है? राधे राधे, एक एक बोलेंगे ताली में जाते हैं। जय हो, एक एक बोलिए राधे राधे, देखिए सुनिए ध्यान से, ये बरसाना वाली पार्टी है, ये नंदगांव वाली पार्टी है, ठीक है ना? अब दोबारा जब भजन होगा तब हम देखेंगे बरसाना वाली जीतती है या नंदगांव वाली जीतती है। लेकिन राधा रानी का तो जीती हर समय है, इसलिए इसलिए वृंदावन में जाओ, सब किसके नाम लेते हैं? जोर से बोलो और जोर से, हाँ, इसलिए वृंदावन में सब राधा जी का नाम लेते हैं। राधा रानी तो हर समय जीतती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब सबके सब वहाँ कीर्तन की, कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी वहाँ पर घास बन करके भजन कर रहे थे, साक्षात उद्धव वहाँ प्रकट हुए। तब महिषियों ने उद्धव जी से प्रश्न करते, बोले हे उद्धव, कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, तुम ही बताओ अभी कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे? हम भी कृष्ण विरह में दुखी हैं। देखो उद्धव जी क्या कहते हैं, भले जब कृष्ण ये दुनिया से जा रहे थे वहां पर मैं भी था, मैं भी एक ही प्रश्न किया था, कृष्ण अभी तेरा दर्शन कैसे मिलेगा? कृष्ण ने कहा देखो मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार दुनिया में आता हूँ, हर समय में नहीं आता हूँ। बोले कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा? बोले 1000 चतुर्युग। आपको पता है 1000 चतुर्युग क्या होता है? हाँ देखो कृष्ण कब ये दुनिया में आते हैं? बोले ये कलयुग का परमायु 432000 साल, के द्वापर युग का इसका 2 गुना कर दो कितना होगा बताओ? 432000 को 2 गुना करो कितना होगा? 864000। बोले त्रेता युग को कलि युग को 3 गुना कर दो कितना होगा बोलो? ठीक है जो कुछ हुआ है। बोले सत्य युग को कलि युग का 4 गुना कर दो, बोले जितना होगा? अभी इसको पूरा के पूरा मिला उसको एक महाजुग कहते हैं। ऐसे 71 महाजुग 71 महाजुग में एक मनु आते हैं जगत में। ऐसे जब 14 मनु बदल जाए तो ब्रह्मा का एक दिन करोड़ों करोड़ों साल बीत जाता है, तभी कृष्ण इसी जगत में एक बार आएंगे। कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते हैं, इसलिए कृष्ण ने कहा देखो मैं ब्रह्मा का एक दिन में इस दुनिया में एक बार आऊंगा, हर समय में नहीं आऊंगा। लेकिन हे उद्धव जी अगर तुम मेरे को दर्शन पाना चाहते हो और एक उपाय है। बोले प्रभु बताओ। बोले मैं एक रूप में तो जा रहा हूं लेकिन कलयुग में दूसरे रूप में रह भी रहा हूं। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? देखो बांके बिहारी खुद कहते हैं, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ रूप में मैं रहूंगा। अगर कलयुग में कोई ये भागवत कथा करवाएगा वो कथा को कोई सुनेगा, ये कथा सुनना
और उसमें मेरे से मिलना कोई अलग नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो साक्षात श्री बांके बिहारी से मिल रहे हैं। ये स्वयं ठाकुर जी ये बात को बोल कर गए। जब बोले इतने में महिषियों ने बताया, बोले उद्धव जी फिर तो आप हमें कथा सुनाओ। बोले ठीक है मैं आपको कथा सुनाऊंगा। इसलिए कहते सर्वप्रथम जो कथा है ना, ये गिरिराज तलहट में जहां पर उद्धव कुंड, वहां पर एक कुसुम सरोवर जो परिक्रमा की आपको पता होगा। सबसे पहले उद्धव जी हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, उन्होंने 1 महीना तक उन्होंने कथा सुनाई। जब कथा विश्राम हुई, स्वयं ठाकुर जी बांके बिहारी राधा रानी को साथ में, अपना पिता माता ग्वाल बाल सखियों के साथ में, ये कृष्ण स्वयं ये भागवत दर्शन किए, ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ। इसका मतलब है जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा उसको ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। बांके बिहारी जी का दर्शन उसको सुनिश्चित रूप में, ठाकुर जी उसकी दर्शन की प्राप्ति होती है। तब महिषियों ने कृष्ण दर्शन करते हुए उनका विरह दूर हुआ। तब से उद्धव जी कहते देखो ये दुनिया में जो कुछ हो रही ना, ये भागवत कथा के प्रभाव से। बोले मेरे गुरु बृहस्पति ने मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जब भगवान कृष्ण ये दुनिया को सृष्टि की, उन्होंने 3 देवता को पहले सृष्टि किया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संहार है, और विष्णु को बोले तुम्हारा काम पालन करना। शंकर जी बोले प्रभु आप कहते हो संहार करना, ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण में संहार होता है, लेकिन ये तमोगुण से मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले भागवत कथा सुनो और सुनाओ। इसलिए जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं, गतकल हम सुन रहे थे ना, शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में सबसे पहले ये कथा सुनाए। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं 1 साल तक कथा विश्राम देने में 1 साल लगता है। क्यों? शंकर जी बड़ी सुंदर रूप में व्याख्या करते हुए कथा को सुनाते हैं, इसलिए उनको 1 साल लग जाती है। फिर माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर जी बैठकर कथा सुनते हैं। मैया पार्वती को कितना दिन लगती? बोले 2 साल, क्योंकि जो माता जी वो वैष्णवी है, वैष्णवी माता जी। इसलिए शंकर जी जितने सुंदर कथा करते हैं, माता पार्वती उससे सुंदर कथा करती है, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए सुनाती है, इसलिए उनको 2 साल लग जाती है। अभी विष्णु जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूं, लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूं? बोले आप भी सुनो सुनाओ। इसलिए स्वयं विष्णु जब ये कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ करके सुनती हैं, और श्री विष्णु 1 महीना तक कथा को व्याख्या करके सुनाते हैं। लेकिन जब श्री माँ लक्ष्मी कथा सुनाती हैं, 2 महीना लग जाता है। नारायण से भी सुंदर कथा माता लक्ष्मी करती हैं। अभी ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु ये जगत का सृष्टि कैसे करूं? बोले आप भी कथा सुनाओ। इसलिए ब्रह्मा जब कथा सुनाते हैं वो 7 दिन में ये कथा को पूरी करते हैं। देखो ये जगत का जो सृष्टि स्थिति प्रलय, ये भागवत कथा से ही सब हो रही है। ब्रह्मा जी कथा की प्रभाव से सृष्टि करते हैं, शंकर जी कथा की प्रभाव से संहार करते हैं, और नारायण कथा की प्रभाव से दुनिया को पालन करते हैं। मानो ये दुनिया में जो कुछ हो रही ना, ये भागवत का आशीर्वाद से, ये भागवत की कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं। तब श्री शांतिल ऋषि ने बताए कि जो भागवत कथा सुनेंगे कैसे। कल मैंने आपको बताया था श्रोता 2 तरह के, कितने तरह के? कितने तरह के? 2 तरह के, एक श्रेष्ठ श्रोता और एक साधारण श्रोता। कल मैंने बताया था जो श्रेष्ठ श्रोता 4 तरह के हैं। किसको याद है? कोई बोल सकता है? 1 तरह बताओ, 4 तरह को 1 बताओ। हाँ मैया ने याद की, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ आप लोग आज सुनो, बताओ। हाँ
मछली, हाँ माता जी ने याद किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो पहला नंबर, आप लोग आज भी इसको याद करना, ठीक है ना, मैं देखूंगा मेरे कल को ना बोल पाता है। देखो एक कथा कैसे सुननी चाहिए, एक व्यक्ति एक समय एक दुकान में गया मूर्ति खरीदी करने के लिए, देखा वहां तीन मूर्ति है, पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला नंबर मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरी नंबर 500, बोले तीसरा नंबर 5000, बोले क्यों, ये तीनों मूर्ति को देखने में बराबर है, आप मेरे खरे क्यों कहते हैं, बोले तीन गिलास दूध लाओ अब इसका खरे में बताओ, जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में दूध डाला वो जिधर से डाला